ये है जानो जंक्शन। नमस्कार, आज है 28 अप्रैल 2022। मैं हूँ पूजा वर्मा और आप सुन रहे हैं जानो जंक्शन पे हिंदी न्यूज पॉडकास्ट न्यूज रेल। पहले मुख्य समाचार। महाराष्ट्र के धुले में बरामद हुआ हथियारों का बड़ा जखीरा, 90 तलवारों और खंजर के साथ 4 गिरफ्तार। बीजेपी ने बताया ये महाराष्ट्र में दंगे की साजिश। जहांगीरपुरी हिंसा का प्रमुख आरोपी कोलकाता से गिरफ्तार। पटना में दिल दहलाने वाला वाकया कैमरे में कैद, एक व्यक्ति ने बेटी फिर पत्नी को गोली मारी और बाद में खुद को मारी गोली, तीनों की मौत। असम दौरे पर आज प्रधानमंत्री मोदी बोले, पूर्वोत्तर में अफस्पा को पूरी तरह से हटाने की कोशिशें जारी। शाहीनबाग में एनसीबी ने मारा छापा, मौके से 50 किलो हेरोइन के साथ 47 किलो संदिग्ध पदार्थ बरामद। दक्षिण भारत के अभिनेता किच्छा सुदीप और अजय देवगन के हिंदी भाषा को लेकर ट्विटर युद्ध में उतरे दक्षिण के नेता भी। बेन स्टोक्स होंगे इंग्लैंड के नए टेस्ट कप्तान, क्रिकेट बोर्ड ने नाम पर लगाई मुहर। अब समाचार विस्तार से। महाराष्ट्र के धुले में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। यहां आगरा हाईवे पर एक स्कॉर्पियो के अंदर से 89 तलवारें और एक खंजर बरामद हुए हैं। ड्राइवर ने इन हथियारों को चित्तौड़गढ़ से जालना ले जाने की बात कबूली है। अभी तक इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं बीजेपी नेता राम कदम ने इसे बड़ी साजिश करार दिया है। उन्होंने कहा ये तलवारें राजस्थान से यहां आई हैं जहां कांग्रेस की सरकार है। ये महाराष्ट्र में दंगा करवाने की बड़ी साजिश है। इससे पहले पुणे में भी ऐसे ही हथियार बरामद हुए थे जो औरंगाबाद भेजे जा रहे थे। इस बड़ी बरामदगी के बाद धुले पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इतनी बड़ी मात्रा में हथियार किसने और किस मकसद से मंगवाए थे। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने जहांगीरपुरी हिंसा मामले में गुरुवार को एक अहम आरोपी की गिरफ्तारी की है। इसे कोलकाता से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी की पहचान फरीद उर्फ नीतू के तौर पर हुई है। सूत्रों के मुताबिक उसे आज ही फ्लाइट के जरिए दिल्ली लाया गया। फरीद हिंसा के बाद ही फरार हो गया था और पश्चिम बंगाल में लगातार ठिकाना बदल रहा था। उसके खिलाफ 2010 से अब तक डकैती, स्नैचिंग, सेंधमारी और आर्म्स एक्ट के तहत कुल 6 मामले दर्ज हैं। पटना में बेटी और तलाकशुदा पत्नी की गोली मारकर हत्या करने के बाद शख्स के आत्महत्या करने का वीडियो सामने आया है। वारदात पटना की पौश इलाके पुलिस कॉलोनी के ए ब्लॉक में आज गुरुवार दोपहर की है। शख्स ने पहले बेटी के सिर पर पिस्टल रखकर गोली मार दी, फिर पत्नी को इसी तरह शूट किया, अंत में खुद की कनपट्टी पर गोली मार ली। मौके पर ही तीनों की मौत हो गई। इलाके के लोग अपने घरों से बाहर निकले तो रोड पर खून से लथपथ 3 लाशें पड़ी दिखी। फिर इलाके के लोगों ने ही गदनीबाग थाना की पुलिस को जानकारी दी। इस सूचना के बाद पटना पुलिस के अधिकारियों में हड़कंप मच गया, क्योंकि जिस इलाके में घटना हुई वहां कई पुलिस अफसरों के घर है। शख्स का नाम राजीव कुमार था और वो बेरोजगार था। उसने अपनी पहली पत्नी की मौत के बाद अपनी साली प्रियंका भारती से शादी की थी। बाद में दोनों का तलाक हो गया और प्रियंका ने दूसरी शादी कर ली थी। प्रियंका सचिवालय में नौकरी करती थी, अपनी माँ और बेटी के साथ रहती थी। ये बेटी उसकी बहन और उसके पूर्व पति की संतान थी। राजीव अपनी बेटी को बेगूसराय में अपने साथ रखना चाहता था, लेकिन बेटी और पूर्व पत्नी इसके लिए तैयार न थी। हत्या के पीछे यही वजह मानी जा रही है। इस पूरे हत्याकांड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम के दिफू में एक रैली को संबोधित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्बी आंगलोंग में मांझा पशु चिकित्सा महाविद्यालय, वेस्ट कार्बी आंगलोंग कृषि महाविद्यालय, अम्पानी वेस्ट कार्बी आंगलोंग गवर्नमेंट कॉलेज सहित कई योजनाओं की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज पूर्वोत्तर क्षेत्र से अफस्पा को पूरी तरह से हटाने के प्रयास जारी हैं। दिफू में शांति, एकता और विकास रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अफस्पा को क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों से वापस लिया जा सकता है, क्योंकि पिछले 8 वर्षों में कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि अफस्पा को पहले त्रिपुरा और फिर मेघालय में रद्द कर दिया गया था। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में रतन टाटा ने आज असम में डिब्रूगढ़ में दिया भावुक भाषण। बोले, मैं अपने आखिरी वर्षों को हेल्थ सेक्टर को समर्पित करता हूँ।
राजधानी दिल्ली के शाहीन बाग में आज गुरुवार को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई की है। एनसीबी ने छापा मारकर कार्रवाई करते हुए मौके से 50 किलो हेरोइन के साथ 47 किलो संदिग्ध पदार्थ भी बरामद किया है। इसके साथ मौके से 30 लाख कैश भी जब्त किया गया है। सूत्रों की माने तो इसके तार इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट से जुड़े हुए हैं। ये भी जानकारी मिल रही है कि बरामद की गई हेरोइन अफगानिस्तान से आई थी। एजेंसी ने इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। सभी कयासों पर विराम लगाते हुए इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपने नए कप्तान की घोषणा कर दी है। जो रूट के इस्तीफे के बाद बेन स्टोक्स इंग्लैंड के नए टेस्ट कप्तान होंगे। स्टोक्स ने 79 टेस्ट मैच खेलकर 35.89 की औसत से 5061 रन बनाए हैं। बेन स्टोक्स ने 11 शतक और एक दोहरा शतक भी बनाया है। कुछ दिन पहले बॉलीवुड स्टार अजय देवगन और साउथ सिनेमा के बड़े स्टार किच्चा सुदीप के बीच हिंदी भाषा को लेकर जंग छिड़ गई थी। दरअसल साउथ स्टार सुदीप ने एक इंटरव्यू में कहा था कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। उनके इसी बयान के बाद अजय देवगन ने ट्वीट कर उन पर निशाना साधा था। अजय देवगन ने ट्विटर पर किच्चा सुदीप को टैग करते हुए लिखा, किच्चा सुदीप मेरे भाई, आपके अनुसार अगर हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है तो आप अपनी मातृभाषा की फिल्मों को हिंदी में डब करके क्यों रिलीज करते हैं? हिंदी हमारी मातृभाषा और राष्ट्रीय भाषा थी, है और हमेशा रहेगी। जनगण मन। अब इस विवाद में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमार स्वामी भी उतर आए हैं। बोले, एक्टर किच्चा सुदीप का ये कहना कि हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है बिल्कुल सही है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष सिद्धारमैया ने अजय देवगन की पोस्ट पर कहा, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा कभी नहीं थी और न कभी होगी। हालांकि खुद किच्चा सुदीप ने कमेंट में आगे लिखा, मैं अपने देश की हर भाषा की इज्जत करता हूँ, मैं इस टॉपिक को आगे नहीं बढ़ाना चाहता, मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ खत्म हो जाए। जैसा कि मैंने कहा कि मेरे कहने का मतलब वो नहीं था जो समझा जा रहा है। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाते हुए सुरक्षा बलों ने अलबद्र के दो आतंकियों को मुठभेड़ में मार गिराया है। पुलिस ने बताया कि देर रात पुलवामा में आतंकियों के खिलाफ एनकाउंटर शुरू हुआ जिसमें दोनों आतंकी मारे गए हैं। एनकाउंटर में एक जवान भी घायल हुआ है। आतंकियों की पहचान इजाज हफीज और शाहिद अय्यूब के रूप में हुई है। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने घटनास्थल से दो AK-47 भी बरामद की है। आज के लिए इतना ही। सुनते रहिए जानू जंक्शन पे न्यूज़ रेल।